अभी ये जो प्रॉब्लम है, एन एम्प्लॉय वर्किंग अंडर अ बोनस स्कीम सेव्स 10 आवर्स इन अ जॉब, तो वो जो काम कर रहा है वो 10 घंटे बचाता है, फॉर विच स्टैंडर्ड टाइम इज 60 आवर्स। तो अभी इधर टाइम की एफिशिएंसी निकालनी है। टाइम की एफिशिएंसी का फॉर्मूला उल्टा है। आपने कल प्रोडक्शन के एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ा, तो वो फॉर्मूला क्या था? वर्कर्स प्रोडक्शन अपॉन नॉर्मल प्रोडक्शन इंटू 100। जितना पर्टिकुलर प्रोडक्शन कर रहा है, समझो 800 बना रहा है, 1000 नॉर्मल है, तो 800 में से 1000 मतलब 80% हो गया, बराबर है। तो वो फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू 100। तो इधर फॉर्मूला उल्टा है, इधर आपको स्टैंडर्ड को ऊपर लेना है और टाइम टेकन कितना टाइम लगा रहा है उसको नीचे ले रहा है। तो अभी इधर क्या बोला है, 10 घंटा बचा रहा है, फॉर विच स्टैंडर्ड टाइम इज 60 आवर्स। 60 घंटे का काम 50 घंटे में कर रहा है, 60 घंटे का काम 50 घंटे में कर रहा है, तो 10 घंटा बचा रहा है। तो अभी इधर क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड टाइम 60 घंटा है, स्टैंडर्ड टाइम 60 घंटा है, ऊपर लेना पड़ेगा, और टाइम टेकन कितना, 50 घंटा। तो फॉर्मूला उल्टा बन जाएगा। तो इधर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ये प्रॉब्लम नंबर 12, इलुस्ट्रेशन 12। अभी एफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ टाइम, एफिशिएंसी या एफिशिएंसी, हाँ एफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ टाइम, कल किया था वो प्रोडक्शन का था, एफिशिएंसी परसेंटेज चाहिए, नहीं है परसेंटेज ऑफ टाइम। तो फॉर्मूला आएगा स्टैंडर्ड टाइम अपॉन टाइम टेकन इनटू 100, स्टैंडर्ड टाइम अपॉन टाइम टेकन इनटू 100। स्टैंडर्ड टाइम अपॉन टाइम के टेकन इनटू 100, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला समझ में आ गया? अभी इधर क्या बोला है, 60 घंटे का काम 10 घंटा कम में किया, मतलब 50 घंटे में कर रहा है। तो स्टैंडर्ड टाइम है 60 घंटा, और वो किया उसने 50 घंटे में, समझ में आ रहा है, और इनटू 100 करना है, करने का। ठीक है, टाइम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये 60/50 × 100, इसका परसेंटेज निकालने का, 60/50 × 100, तो इसकी एफिशिएंसी 120% है। ये समझ में आ गया? तो 60 घंटा लगना चाहिए, लेकिन वो काम 50 घंटे में कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी 120%। अभी आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेट पर आवर वर्क एंड वेजेस पेबल टू हिम। तो अपने को अर्निंग्स पर आवर कैलकुलेट करने का है, घंटे का रेट, और वेज कितना पे करना पड़ेगा। इफ इंसेंटिव बोनस ऑफ 10% ऑन द आवरली रेट इज पेबल व्हेन स्टैंडर्ड नेमली 100% एफिशिएंसी इज अचीव्ड, एंड फर्दर इंसेंटिव ऑफ 1% ऑन आवरली रेट फॉर 1% इन एक्सेस ऑफ दैट प्रोडक्शन। तो उसको क्वेश्चन में बोला है कि उसको दो टाइप के बोनस देने हैं, एक 10% बोनस देना है अगर उसने 100% एफिशिएंसी क्रॉस की, तो उसको 10% देना है,
प्लस जितना भी वो ऊपर जा रहा है 100 के ऊपर जितना भी जा रहा है उससे जितना भी परसेंटेज गया है तो उतना एक्स्ट्रा देने का है, मतलब 10% देने का है। अभी ये प्रॉब्लम में उसको 120% है तो उसको क्या क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा 10% मिलेगा क्योंकि वो 100% के ऊपर गया है, और एक्स्ट्रा 20% मिलेगा क्योंकि वो 100 के ऊपर 20% जा रहा है, तो टोटल 30% मिलेगा। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ये 120 तक 120% तक समझा है ना, ओके मुझे मालूम है नहीं समझेगा, नया है ना, ओके मैं समझाता हूँ, ये 120% तक समझा है ना, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके आगे का समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर वो 100% एफिशिएंसी पा लेता है तो उसको 10% बोनस मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा जितना भी एक्स्ट्रा ऊपर जा रहा है उतना एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 100 के ऊपर कितना ऊपर जा रहा है उतना एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 10% 100% अचीव किया उसका, और 20% एक्स्ट्रा उसके ऊपर 20% गया उसका मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी ये तो 120% हो गया, अभी इधर क्या लिखने का, वर्कर विल गेट, नहीं समझा, ओके मैं बताता हूँ। ओके क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, लिखा है बराबर पढ़ो, इफ इंसेंटिव बोनस ऑफ 10% ऑन द आवरली रेट इज पेबल व्हेन स्टैंडर्ड नेमली 100% एफिशिएंसी इज अचीव्ड। इसका मतलब क्या है, अगर 100% अचीव करता है तो उसको कितना मिलेगा बताओ अमीरा, अगर वो स्टैंडर्ड अचीव करता है तो कितना मिलेगा एक्स्ट्रा, कितना परसेंट मिलेगा, प्रॉब्लम है ना, 10% मिलेगा, मतलब ये 10% के अलावा और एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है, पॉइंट क्लियर है, 10% उसको मिलेगा, और आगे क्या लिखा है देखो, एंड फर्दर इंसेंटिव ऑफ 1%, आगे उसको 1% मिलेगा हर 1% एक्स्ट्रा जितना 100% के ऊपर कमा रहा है, हर एक परसेंट के ऊपर एक एक परसेंट मिलता जाएगा, तो 100 के ऊपर कितना परसेंट गया वो ऊपर, एक्स्ट्रा परसेंट कितना ऊपर गया है वो अमीरा, कितना परसेंट ऊपर है 100 के, 1% ऊपर है, कितना परसेंट ऊपर है, देखो मैंने किया है ना सॉल्व, कितना परसेंट ऊपर है वो, 120 नहीं 20% ऊपर है, 100 तो उसका नॉर्मल है, तो 10% जो उन्होंने पहला जो नॉर्मल बोनस दिया है वो, और 20% उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा है, तो ऐसा 30% उसको मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो 10% नॉर्मल मिलेगा और 20% एक्स्ट्रा, मतलब 30% मिलेगा, ठीक है। तो इधर हम लोग लिखेंगे वर्कर विल गेट 10% फॉर रीचिंग या अचीविंग स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक मिनट यार नॉइज डिस्टर्ब कर रहा है,
तो वर्कर विल गेट 10% बोनस फॉर अचीविंग स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्लस 20% एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एज ही हैज एक्सेस 20% एक्सेस 20% एफिशिएंसी। क्लियर है? एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया। वर्कर विल गेट 10% बोनस फॉर अचीविंग स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्लस 20% एक्स्ट्रा एज ही हैज एक्सेस 20% एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल 30% इक्वल टू टोटल 30%। ठीक है, तो 10 और 20% के टोटल कितना हो गया 30% बोनस, और इधर भी 20% प्लस बोनस मिलेगा, 20% बोनस एक्स्ट्रा। ठीक है, ओके, ज्वाइन करता हूँ यश यादव। सब लोग टाइम पे ज्वाइन किया करो, पहले मेरा नेटवर्क की वजह से लेट हो गया और थोड़ा आपका लेट हो रहा है। ओके, मैं किधर था? हाँ, तो उसको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा और ये एक मिनट, ये इधर का दिख नहीं रहा है ना, एक्सेस 20% है, तो बोनस अपना 30% उसको एक्स्ट्रा मिलेगा और उसका अर्निंग कितना है, अर्निंग उसने 50 घंटा काम किया है और इधर घंटे का रेट दिया है 5 रुपया, तो अर्निंग्स इक्वल टू 50 घंटा काम किया है सैलरी प्लस बोनस। ठीक है, तो अर्निंग्स कितना है उसका, 50 घंटा काम किया है उसने और 50 घंटे का रेट कितना है, 50 घंटे का रेट है 5 रुपया। और उसको एक्स्ट्रा 30% बोनस मिलेगा। इधर तक क्या हो गया? सर उसका नाम पूजा है, दीपाली नहीं। ओके ओके, थैंक यू पूजा। ओके, पूजा बेनकर ना, बाकी सबके नाम बराबर है। ओके ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, क्या आवाज ब्रेक हो रही है? ओके, आवाज ब्रेक हो रही है, ठीक है ठीक है, देखता हूँ। अभी आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था, 50 घंटा काम किया है, हर एक घंटे का 5 रुपया मिलता है और 30% बोनस मिलेगा। तो इधर कैसे आएगा, 50 × 5 मतलब ये आएगा 250 रुपया, 250 के ऊपर 30% एक्स्ट्रा। तो 250 का 30% कितना होता है, 250 ×
30%, कितना 75 रुपीज बोनस मिलेगा। ठीक है, तो 75 रुपीज ऐड करके टोटल कितना आ गया 325। एकदम प्रॉपर समझ में आ गया, इधर तक कुछ भी डाउट नहीं है, क्लियर। अभी अपने को इसमें अर्निंग पर आवर भी निकालने का है, तो 325 रुपये हम लोग उसको दे रहे हैं और वो 50 घंटा काम करता है, तो अर्निंग पर आवर क्या हो गया, डाउट्स आ रहे हैं। अर्निंग पर आवर 325 डिवाइडेड बाय 50, कितना आ रहा है 325 डिवाइडेड बाय 50, सिक्स पॉइंट फिफ्टी। तो घंटे का रेट है 6.50। प्रॉपर समझ में आ गया, स्पीड बराबर है, ओके। अभी फॉर्मूला देखेंगे नया, इमर्सन एफिशिएंसी फॉर्मूला लेके आता हूँ। सब लोग थोड़ा अनम्यूट हो जाओ। हाँ, अभी हेडिंग डालो, इमर्सन सिस्टम या इमर्सन मेथड, फॉर्मूला पेज पे इमर्सन सिस्टम। सॉरी, इम्पोर्टेंट कॉल था। ओके, सब लोग अनम्यूट हो जाओ। इमर्सन प्लान बता रहा हूँ, तो ये प्लान जो है एफिशिएंसी और अर्निंग, ये एक्चुअली ये आपको ध्यान में रखने का जरूरत नहीं है, इसका आपको ये टेबल जो है वो दिया रहता है क्वेश्चन में, अभी जो सॉल्व करेंगे उसमें दिया है आपको। तो अगर एफिशिएंसी 0 से लेके 66.67% तक है तो उसको क्या मिलेगा, टाइम रेट मिलेगा। जो भी टाइम रेट है वो मिलेगा 0 to 66.67%। उसके बाद 66.67 से लेके 80%
66.67% to 80%. इधर भी 0% चाहिए. हाँ, तो ये 66.67 और 80 के रहेगा तो उसको क्या मिलेगा, टाइम रेट मिलेगा प्लस बोनस 5% मिलेगा, प्लस 5%. ठीक है, उसके बाद 80% to 90% रहेगा तो टाइम रेट प्लस 9% मिलेगा. अभी आपको इसकी एफिशिएंसी कौन से स्लैब में आ रही है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. और 90% और 100% में है, 90% और 100% में तो 20% देने का है. और 100 के ऊपर जाएगी, 100% एंड अबव, तो उसको कितना देना है, टाइम रेट प्लस 20%. और अभी कैसे क्या था, अभी के प्रॉब्लम में 100 के ऊपर वो 20% था ना एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा 20%. तो वैसे ही जितना भी ये ऊपर जाएगा, समझो 130% है तो 30% ज़्यादा देना पड़ेगा, प्लस एक्स्ट्रा 1% पेमेंट, एक्स्ट्रा 1% पेमेंट एक्स्ट्रा 1% पेमेंट फॉर एवरी 1% इंक्रीज, हर एक 1% के पीछे 1% देना पड़ेगा पेमेंट फॉर एवरी 1% इंक्रीज. ठीक है, जैसे अभी किया था 20% ऊपर था तो 20% एक्स्ट्रा दिया. तो ये फॉर्मूला है एफिशिएंसी और अर्निंग्स. अगर उसका 66.67 तक है उसको टाइम रेट मिलेगा, 66.67 और 80 रहेगा तो टाइम रेट प्लस 5%, फिर 80 और 90 रहेगा तो टाइम रेट प्लस 9%, 90 से 100% टाइम रेट प्लस 20, और 100% या उसके ऊपर रहेगा तो हर एक एक के पीछे एक. ओके, सबका फॉर्मूला लिख के हो गया, चैट बॉक्स में हाँ ना डालो कुछ. हो गया, अभी सम लेते हैं. सम उसके बाद में वाला है, 13 प्रॉब्लम कल भेजा था. इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द डेली वेज रेट इज 2.5, तो आपको घंटे का रेट दिया है 2.5. स्टैंडर्ड आउटपुट इज 6 डे वीक इज 200 यूनिट्स, तो 6 दिन के हफ्ते में 200 यूनिट बना रहे, एक हफ्ते में 200 यूनिट्स से, एफिशिएंसी 100%. द डेली वेज रेट इज पेड विदाउट बोनस टू दोज वर्कर्स हुशो, जो अभी मैंने लिखा है वही है, ये जिनका एफिशिएंसी 66.23 है तो उनको टाइम रेट के हिसाब से दिया जाता है. बियॉन्ड दिस there is a bonus payable on a graded scale below as below. 80% efficiency 5%, तो जैसे मैंने बोला है कि 66 से लेके 80 तक है तो 5%, फिर 80 से 90 तक रहेगा तो 9%. अब बायहार्ट ही करके रखो, इनके ऊपर भरोसा मत रखो, क्वेश्चन में दिया है लेकिन ये बायहार्ट करके रखो. तो 80 तक रहेगा तो 5%, 80 से 90 रहेगा तो 9%, और 90 से 100 रहेगा तो 20%. और फर्दर इंक्रीज ऑफ 1% फॉर एवरी फर पर 1% फर्दर राइज इन एफिशिएंसी इन अ 6 डे वीक ए प्रोड्यूस 180. अभी इधर 4 वर्कर्स है, हर एक ने
कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया वो दिया है, तो अपने को हर एक की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, तो एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, और फिर अपने को ये हिसाब से उसका अर्निंग्स कैलकुलेट करने का है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, तो सॉल्व करते हैं, इजी है, इलुस्ट्रेशन 13। ठीक है, अभी ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लेते हैं ना, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, 200 यूनिट्स, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इक्वल टू 200 यूनिट्स। ठीक है, 200 यूनिट्स है, और ये प्रॉब्लम में अपने को रेट पर यूनिट की ज़रूरत नहीं है, अपने को क्या लगेगा, रेट पर आवर लगेगा, रेट पर आवर इधर दिया है 2.5 रुपया, डेली वेज रेट दिया है, ओके, डेली वेज रेट दिया है, तो इधर कैसा है कि 2.5 रुपया पर डे है, 2.5 रुपया पर डे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन का निकालने का रहेगा ना, तो ये 2.5 रुपया, और 6 दिन का हफ्ता है, हफ्ते कितने दिन का है, 6 दिन का, तो 6 × 2.5 देना पड़ेगा, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, रेट पर डे, रेट पर डे इक्वल टू ₹2.5, और नंबर ऑफ डेज इन अ वीक कितने दिन है हफ्ते में, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इक्वल टू 6 दिन है, 6 डेज, तो 6 दिन का कितना मिलेगा, 6 × 2.5, समझ में आ रहा है, ओके अभी हर एक का अर्निंग्स निकालते हैं, अर्निंग्स एज पर इमर्सन सिस्टम, अर्निंग्स एज पर इमर्सन सिस्टम, सबसे पहला ए, ए का क्या है, ए का 150% है, तो उसका ये एफिशिएंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहला ए का 180 यूनिट्स, तो एज एफिशिएंसी अभी इसको कैसे निकालेंगे, एज प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, एज प्रोडक्शन है, तो अभी ए का प्रोडक्शन कितना है, 180, यूनिट्स, और स्टैंडर्ड कितना है, 200, तो ये 90% उसका एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी अभी 90% एफिशिएंसी, मतलब उसको कितना मिलेगा, ये कैटेगरी में आता है, 80 to 90, उसको 9% मिलेगा, मतलब 90 तक उसको 9% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो अर्निंग्स आएगा, अर्निंग्स इक्वल टू अभी अर्निंग्स इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 6 डेज, छह दिन
उसको कितना मिलेगा, हर दिन का 2.5 रुपया, और उसको इसके ऊपर 9% बोनस। समझ में आ रहा है, 6 दिन का 2.5 रुपया पर डे और 9% बोनस। इधर तक सबको क्लियर है? क्लियर है? समझा ना? आंसर नहीं आ रहा है, नहीं समझा लगता है। समझा क्या नहीं समझा? अमीरा, मयूरी, समझा क्या नहीं? आवाज आ रही है? समझा क्या? सब लोग है ना? क्या सोए? सो गए तो सब तो ये वीडियो बंद कर दिया है। मेरे ख्याल से नहीं समझा है, कोई भी आंसर नहीं दे रहा है तो नहीं समझा है। फिर से एक बार समझाता हूँ। ये जो सिस्टम है ना पेमेंट करने की, तो पेमेंट करने की सिस्टम में क्या रहता है कि उसके एफिशिएंसी के ऊपर उसको पेमेंट दे रहे। अभी देखो इधर क्या लिखा है मैंने, एफिशिएंसी 0 to 66.67 रहेगी तो उसको टाइम रेट मिलेगा, जो भी दिन का पगार है उसको मिलेगा। ये क्लियर है? अगर एफिशिएंसी 66.67 और 80% रहेगी तो टाइम रेट प्लस कितना मिलेगा, 5%। 80 to 90 रहेगी तो टाइम रेट प्लस कितना मिलेगा, 9%। 90 to 100 रहेगी तो टाइम प्लस 20%, और 100% एंड अबव रहेगी तो ये मिलेगा प्लस उसका कितना ज़्यादा मिल रहा है, जैसे पिछले प्रॉब्लम में किया था वैसा है। समझ में आ रहा है? तो अभी ये जो प्रॉब्लम कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 200 दिया है, क्लियर। फिर रेट पर डे कितना दिया है, 2.5 दिया है। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक कितना, 6 दिन। 6 दिन का पर डे कितना मिल रहा है उसको, 2.5 रुपया मिल रहा है, तो 6 × 2.5 करना पड़ेगा टाइम रेट के लिए। समझ में आ रहा है? टाइम रेट कैसे निकालोगे, 6 × 2.5। तो इधर हम लोग ने क्या लिखा है, सिर्फ इधर हम लोग एक स्टेप और ऐड करते हैं, अर्निंग्स इक्वल टू टाइम रेट प्लस 69%। अभी बराबर है? टाइम रेट प्लस 9%। टाइम रेट कैसे निकालोगे, 6 दिन काम कर रहा है, हर दिन का कितना है, 2.5 रुपया, और 9% एक्स्ट्रा मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो बोलो, यस बोलो, ना बोलो। अरे कितने टाइम के बाद समझा है ना? ओके, रात में नींद नहीं आती थी, समझ में नहीं आता था। तो अभी 6 दिन का उसको कितना मिलेगा, 2.50। ओके ओके, नेटवर्क ओके। 6 × 2.50 मतलब ये कितना आएगा, 15। 15 और 9% बोनस इक्वल टू 15 रुपया ये पेमेंट है, और 15 का 9% उसको बोनस मिलेगा। तो 15 का 9% कैलकुलेट करना पड़ेगा, 15 × 9% 1.35। ठीक है, ऐड करके 16 रुपया 35 पैसा। प्रॉपर समझ में आ गया एकदम,
एफिशिएंसी के हिसाब से उसको 9% एक्स्ट्रा दे रहे, तो 15 रुपया पगार है और उसके ऊपर 9% एक्स्ट्रा, मतलब 1.35 एक्स्ट्रा दे रहे, टोटल कितना दिया 16.35। इधर तक एकदम अच्छी तरह समझ में आ गया, स्पीड बराबर है, ओके। हाँ, अभी ए हो गया, ए के बाद बी, बी का करते हैं। सबसे पहला बी का एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो इधर बी का एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। तो बी का प्रोडक्शन कितना है, 150 बना रहा है, बी 150 बना रहा है, तो 150/200 × 100 150/200 × 100 ये 75% है, 75% है उसका। तो अब ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है, 75% मतलब ये दूसरे कैटेगरी में आ रहा है, तो उसको टाइम रेट प्लस 5% मिलेगा, टाइम रेट प्लस 5%। तो इसको करेंगे, टाइम रेट प्लस 5% मिलेगा। तो ये तो सेम ही है, 6 × 2.5 ये सेम ही है, सिर्फ 9 के बदले में 5 आएगा, समझ में आ रहा है, 6 × 2.5 सेम ही रहेगा। तो अभी 15 का 5% निकालेंगे, 15 का क्या हो गया, 15 का 5% 0.75। तो ये कितना आएगा, 15.75, समझ में आ रहा है ना, उसका 75% है तो उसको 5% ज़्यादा मिलेगा, तो 15 का 5% मतलब 0.75 ऐड करके 15.75, क्लियर है, ओके। अब ये बी हो गया, बी के बाद सी, तो सी का जो प्रोडक्शन है ये कितना है, सी का प्रोडक्शन 200% है, तो उसको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, 200/100 × 100 तो ये 100% है, तो इसको 20% एक्स्ट्रा, चौथे कैटेगरी में आता है ये, तो इसको 20% मिलेगा टाइम रेट का। तो ये तो सेम ही रहेगा, 6 × 2.5 20% एक्स्ट्रा, तो 15 का 20% निकालना पड़ेगा, 15 का 20% 3 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा उसको, टोटल 18 रुपया मिलेगा, समझ में आ रहा है, इसका एफिशिएंसी 100% है तो उसको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, 15 का 20% कितना, 3 ऐड करके 18, प्रॉपर समझ में आ रहा है, स्पीड बराबर है, ओके। अभी सी के बाद कौन है, डी, डी का कितना है, 208,
208 है तो कितना परसेंटेज है, 208 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, 104%, 104% है तो उसको कितना मिलेगा, पहला तो 20% एक्स्ट्रा मिलेगा और फिर 4% एक्स्ट्रा, 20 और 4 24% मिलेगा। इधर ये चेंज करना पड़ेगा 20%, बाकी सब जगह किया है ना। तो इसको कितना मिलेगा, प्लस 20% प्लस 4%, 24% मिलेगा। तो 15 का 24%, समझ में आ रहा है ना, 20% और 4%, 100 के ऊपर 4% जा रहा है तो उसको 24% मिलेगा, 15 × 24%, ये है 3.60, तो उसको मिलेगा 18.60 रुपया। समझ में आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। और अभी लास्ट का ई, ई ने कितना बनाया, 130, मतलब कितना परसेंटेज है, 65%। अभी ये कौन से कैटेगरी में आता है, पहले वाले कैटेगरी में, उसको सिर्फ स्टैंडर्ड टाइम रेट ही मिलेगा, को सिर्फ मिलेगा टाइम रेट, मतलब 6 × 2.5 15 रुपया मिलेगा बस। क्लियर है, तो 0.66% में आ रहा है, 66.66 के अंदर आ रहा है तो उसको कितना मिलेगा, सिर्फ टाइम रेट ही मिलेगा 15 रुपया। सबको प्रॉपर बराबर समझा, किसी को डाउट्स नहीं है, क्लियर। ओके, तो फिर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, थैंक यू।